दे कैन बट उनको एक हफ्ते का रेस्ट मिला है तो एज सच कोई ज़रूरत नहीं है. मे बी इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देयर प्लेयर्स कि वो खेलते रहे, मैच प्रैक्टिस उनकी रहे, क्योंकि हफ्ते का रेस्ट वैसे ही आ गया. फिर आगे भी गैप है सेमीफाइनल से पहले, तो इट कैन गो आइदर वे. मुझे लगता है कि शायद खेलेंगे ताकि वो हफ्ते के बाद एटलीस्ट उन्होंने बड़ा मैच खेलना है, उससे पहले एटलीस्ट वो तैयार हों, मैच प्रैक्टिस हो उनकी. एंड दे आर डूइंग फाइन. कोई भी बॉर्डर लाइन जब आपका प्लेयर होता है, लगता है कोई फटीग हो रहा है या किसी को कोई इंजरी के चांसेस है, देन यू ऑलवेज कैन गो. या कोई आप कम्बिनेशन ऐसा सोच रहे होते हैं, अगला जो मैच है किसी टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर इनका मैच है, तो वहाँ पर अगर कोई कम्बिनेशन चेंज करना है तो वो हो सकता है आप ट्राई आउट करते हैं. पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरत है इंडिया की टीम को करना चाहिए मेरे ख्याल में. वो इसलिए जो बेंच स्ट्रेंथ है उनकी, ठीक है अश्विन खेले हैं, लेकिन उनमें ये जो कृष्णा नए आए हैं, जो नया एडिशन है, उनको ज़रूर एक मैच देना चाहिए. फिर शार्दुल ठाकुर को भी खिलाना चाहिए. वो इसलिए कि ये आपका लास्ट राउंड गेम है, यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, अनबीटन है आप, लेकिन जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी रेडी रहनी चाहिए. यू नेवर नो कि कोई किसी भी बंदे को इंजरी हो जाए. अब जैसे हार्दिक पंड्या को इंजरी हुई तो सूर्या कुमार को वो ऑलरेडी वो रेडी थे, लेकिन ये जो तीन बंदे हैं ये काफ़ी टाइम से नहीं खेले हैं. ये कृष्णा जो नए आए हैं, फिर अश्विन और शार्दुल ठाकुर, इनको चांस आज देना चाहिए ताकि ये भी रेडी रहें. अगर कोई इंजर्ड हुआ तो इन तीनों में से ही आपको एक को खिलाना पड़ेगा. इफ आई एम वेयरिंग माय कैप्टन्स हैंड एंड थिंक कि मैंने कल के मैच में, आज के मैच में क्या करना है, 8 के 8 मैच मेरी टीम जीती हुई है, एक हफ्ते का रेस्ट मिला है, आई विल आस्क माय बॉलर्स, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, आर यू ओके टू प्ले? इफ दे से यस, देन आई विल प्ले द प्रॉपर टीम. Maybe also we're seeing because this venue is not one of the best ones for the spinners. The spinners ke average is upstairs. So maybe you want to rest the spinners and say, guys, you know, some of you guys take it. We're going to try some of the other maybe boys. But again, winning combination, weak rest, Misbah ne bataya hai. Phir uske baad do din ka rest hai. Pehla semi-final India ka hai. Ye abhi hame pata chalega. We're just trying to, I ask that question. Best yehi hota jo Vaseem bhai ne baat kiya na, inko khud puchna chahiye. Rahul ko apne players se, Rohit Sharma ko apne players se. कि कोई रेस्ट करना चाहता है, कोई समझता है ऐसे कि टू प्रिपेयर फॉर द बिग मैच, अगर रेस्ट चाहिए तो रेस्ट देना चाहिए. अदरवाइज मेरा ख्याल है कि जैसे भी मिसबा ने बात की कि एक हफ्ते का ऑलरेडी रेस्ट मिला है, देन अगेन सेमीफाइनल में 2 दिन का गैप आ जाएगा, 3 दिन का. एंड पहला मैच जो है इंडिया न्यूजीलैंड का ही है सेमीफाइनल.